ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्यानिगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं त्वमेव माता च पिता त्वमैव त्वमैव बंधु च सखा त्वमैव त्वमैव विद्या च द्रविणं त्वमैव तुमैव सर्वं मम देव देवः। भगवान श्री राम के पवित्र चरणों में जिनसे गंगा निकली है, जिन चरणों ने तीन डग में तीनों लोकों को नाप लिया है, जिन चरणों की स्तुति बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध पुरुष और आत्मज्ञानी महात्मा करते हैं, जिन चरणों की कृपा से जीव 84 लाख योनियों से पार होता है, जिन चरणों की कृपा से मनुष्य को सद्गुरु की प्राप्ति और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसे भगवान श्री राम जो अनंत आकाश गंगाओं के एकमात्र मालिक हैं, भगवान हैं, सच्चिदानंद हैं, जिनकी लीला बिहारणी और संसार को संचालित करने वाली शक्ति माँ जानकी हैं, माँ के रूप में सारे जगत की माँ हैं, ऐसे भगवान के पवित्र चरणों में प्रणाम करके और आज हम विश्वामित्र जी के और भगवान राम के इस यात्रा वृतांत में 19 सर्ग यानी 19 सर्ग यानी 29वां सर्ग ले रहे हैं वाल्मीकि रामायण के बालकांड का। इस सर्ग का विषय है विश्वामित्र जी का श्री राम जी से सिद्धाश्रम का पूर्ण वृतांत बताना और दोनों भाइयों के साथ अपने आश्रम पर पहुंचकर पूजित होना। अथ तस्या प्रमेयस्य वचनं परिपृच्छतः विश्वामित्रो महातेजा व्याख्यातु मुपचक्रमे। अपरिमित प्रभावशाली भगवान श्री राम का वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने उनके प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। इह राम महाबाहो विष्णुर्देवा नमस्कृतः वर्षाणि सुबहूनि तथा युगशतानि च तपश्चरण योगार्थ मुवास सुमहातपः एषः पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मनः। महाबाहु श्री राम
पूर्व काल में यहाँ देवताओं द्वारा बंधित भगवान विष्णु ने बहुत वर्षों तक 100 युगों तक तपस्या के लिए निवास किया था। अब आप आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान विष्णु को तपस्या करने की क्या आवश्यकता है, वो तो सच्चिदानंद परमात्मा है। तो इसका मतलब ये है कि कोई कितना भी अच्छा भोजन बनाने वाली माता हो तो क्या वो उस भोजन की तैयारी नहीं करती है? कोई कितना भी अच्छा सैनिक हो, युद्ध के पहले अपने शस्त्रास्त्र को सुसज्जित और धार नहीं रखता है क्या उन पर? तपस्या एक तरह की धार है, तपस्या एक तरह का बल है और ऊर्जा को एकत्रित करके एक दिशा में बहाने का माध्यम है। उन्होंने यहां बहुत बड़ी तपस्या की थी। वह स्थान महात्मा बामन का बामन अवतार धारण करने के पहले उन्होंने किया था। बामन अवतार धारण करने को यही उद्धत यानी तैयार हुए। श्री विष्णु भगवान का जो अवतार है बामन अवतार, उस अवतार को ग्रहण करने के पूर्व यही आश्रम था। सिद्धाश्रम इति ख्यातम् सिद्धो हयत्र महातपः एतस्मिन्नेव काले तु राजा वैरोच निर्वलिः निजित्व देवत गणान सेंद्रान सहमरुद्गणान करयामास तद्राज्यम त्रिषु लोकेश विश्रुतः। इसकी सिद्धाश्रम नाम से प्रसिद्धि थी। यहाँ महातपस्वी विष्णु को सिद्धि प्राप्त हुई थी, तब वे तपस्या करते थे। उसी समय विरोचन कुमार यानी विरोचन का पुत्र राजा बलि ने इंद्र और मरुदगणों सहित समस्त देवताओं को पराजित करके उनका राज्य अपने अधिकार में कर लिया था। वे तीनों लोकों में विख्यात हो गए थे। यज्ञं चकार सुमहान सुरेन्द्रो महाबलः यज्ञं चकार सुमहान सुरेन्द्रो महाबलः बलेस्तु यजमानस्य देवाः सागरपुरोगमः समागम्य स्वयं चैव विष्णुमुचूरिहाश्रमे बलिर्वैरोचनर्निर्विष्णो यजते यज्ञमुत्तमम् असमाप्तृते तस्मिन् स्वकार्यमभिपद्धताम्। उन महाबली महान असुरराज ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उधर बलि यज्ञ में लगे हुए थे, इधर अग्नि आदि देवता स्वयं इस आश्रम में पधारकर भगवान विष्णु से बोले। वो बलि यज्ञ कर रहे थे, इधर देवता आए, भगवान विष्णु से कहा, हे सर्वव्यापी परमेश्वर, विरोचन कुमार बलि एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। उनका यह यज्ञ संबंधी नियम पूर्ण होने से पहले ही हमें अपना कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए। एक तो बलि थे, मैं आपको संदर्भ बताता हूं, एक तो राजा बलि थे और एक था रावण, दोनों के में बड़ा अंतर था। रावण अहंकारी
व्यभिचारी, दुराचारी, कपटचारी, हिंसाचारी और जितने जितने भी दुर्गुण हैं उनसे कूट कूट के भरा था। उसके पूरे जीवन का अभ्यास ही रजोगुण और तमोगुण से भरा था। सतोगुण का वो नाटक करता था, मंदोदरी को बड़ी ज्ञान की बातें सुनाता था, राक्षसों को बड़े ज्ञान की बातें सुनाता था, लेकिन था वो अंदर से बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रवृत्ति का। इसलिए रावण के अंत समय में बलि जैसा परिणाम नहीं आया। रावण को मरना ही पड़ा, लेकिन बलि को अमरता प्राप्त हुई। रावण ने अमर होने की लिए तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, लेकिन उसे अमरता नहीं मिली। लेकिन भगवान बलि कहना जरूरी हो गया है। आपको कथा में बलि की कथा भागवत में आती है, आप उसे पढ़ना। जो भगवान के चरणों में अंतिम समय में भी समर्पण कर देता है उसका कल्याण हो जाता है। अंत समय भी चेत सका तो भी सत्वर चेता, पूरी जिंदगी भर नाव बंधी रही तुम्हारी पेड़ से और तुम चप्पू चलाते रहे, लेकिन अंत समय तुम चेत गए, तुमने परमात्मा के लिए अपनी नाव खोल दी और भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया, यात्रा तुम्हारी हो जाएगी। चलिए, बलि और रावण दोनों ही राक्षस थे। रावण तो ब्राह्मण होने के कारण राक्षस बना, इसलिए उसको तो ब्रह्म राक्षस कहना उचित है। जब कोई ब्राह्मण राक्षस हो जाता है तो राक्षस से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। राक्षस योनि में उत्पन्न हुआ व्यक्ति इतना खतरनाक नहीं होता जितना ब्राह्मण राक्षस हो जाए तो खतरनाक हो जाता है, समाज के लिए, देश के लिए, मनुष्यता के लिए। ये उदाहरण आप बलि और रावण की तुलना में देख सकते हैं। बलि तो राक्षस जन्म में ही, उनका राक्षस परिवार में ही हुआ था, रावण का राक्षस परिवार में जन्म नहीं हुआ था। तो इस भगवान बलि के इतिहास से आप या पूरा संसार सीख सकता है कि कोई राक्षस भी हो तो भी भगवान के चरणों में जाके अमर हो सकता है। हमारे भारत के मूर्ख लोग शूद्र शूद्र चिल्लाते हैं, दलित दलित चिल्लाते हैं। अरे भाई, तुम दलित दलित क्यों चिल्ला रहे हो? यहां तो भगवान ने राक्षसों तक का उद्धार कर दिया। दलित तो, शूद्र तो बहुत, तुम मतलब एक तरह से लोगों से सत्य छुपा रहे हो। दलित और शूद्र ये तो हमारे भगवान के शरीर के अंग हैं। जैसे भगवान ने कहा है कि शूद्र मेरे चरण हैं, तो आप इस प्रकार का जो गलत प्रचार समाज में कर रहे हैं उससे यहां पर वाल्मीकि रामायण उसको खंडित करती है। वो कहती है कि नहीं, अगर राक्षस कुल में भी जन्म है तो भी आपको परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तब तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होने से कोई अंतर नहीं पड़ता, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होने पर भी यदि आपके कर्म राक्षसों जैसे हो जाएं तो आपके लिए फिर मरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता। चाहे भगवान के हाथ से मरो या और किसी के भी हाथ से मरो, या फिर 84 लाख योनियों में जाके मरो, जन्म लो, मरो और जन्म लो। तो आगे क्या बोलते हैं ये देवता जो भगवान के आश्रम में अग्नि आदि देवता आए, उन्होंने आगे क्या बोला? ये चैनम अभी वर्तन्ते याचितारायतस्ततः यच्च यत्र यथावच्च सर्वं तेभ्य प्रयच्छति। इस समय जो भी याचक इधर उधर से आकर उनके यहां याचना करने के लिए उपस्थित होते हैं, हमने बहुत ही गलत शब्द याचक के लिए उपयोग मिलाया है। ये यवनों के आने की वजह से, मलेच्छों के आने से उनको भिखारी कहने लगे, भिखारी नहीं, याचक।
कोई भी चीज की याचना करते हैं, याचना में विनम्रता होती है। भिखारी जो है ये इनके इन लोगों के संस्कार हैं, भिखारियों के। हमारे यहां तो भिखारी भी याचक, ये भिखारी नहीं है। थोड़ा बारीकी से समझने की जरूरत है, संस्कृति की चीजें हैं, भारतीय संस्कृति के मूल हैं ये। तो जो भी याचक उपस्थित होते हैं वे उन्हें गौ भूमि स्वर्ण आदि संपत्तियों में से जिस वस्तु को भी लेना चाहते हैं उनको वे सारी वस्तु राजा बलि यथावत रूप से अर्पित करते हैं, दे देते हैं। अर्पित करते हैं, देते नहीं है, अर्पित यानी सम्मान के साथ किसी चीज को देना, अर्पित करना कहते हैं। स्वत्वं सुरहितार्थाय माया योग मुपाशितः वामन त्वं गतो विष्णु कुरु कल्याणमुत्तमम्। अतः हे भगवान विष्णु, आप देवताओं के हित के लिए अपनी योग माया का आश्रय लेकर वामन रूप धारण करके उस यज्ञ में जाइए और हमारा उत्तम कल्याण साधन कीजिए। इसमें बहुत रहस्यपूर्ण बात है। देवताओं का हित क्यों करना भाई, देवताओं का हित क्यों करना, दानवों का हित क्यों नहीं करना? क्या भगवान विष्णु पक्षपाती? नहीं। आप जब फसल बोते हो खेत में तो आप किसका हित करते हो? चने का, गेहूं का हित करते हो ना, निंदाई गुड़ाई करते हो ना, जो जहरीले पौधे उगाते हो उन्हें उखाड़ते हो ना। आप जब भोजन बनाते हो तो जो आप साग सब्जी साफ करते हो उसमें से कीड़े मकोड़े या कोई मिट्टी इत्यादि पदार्थ जो है उनको अलग करते हो ना, आप उनको गेहूं बीनते हैं, गेहूं तैयार करते हैं तो उसमें से मिट्टी कचरा कंकर ये अलग करते हो ना। देवता का मतलब है श्रेष्ठता। आप भी देवता बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे श्रेष्ठता का तल ऊपर होता जाता है वैसे जैसे जीव की प्रगति होती जाती है। जीव की प्रगति ऐसे होती है जैसे एक कोश की जीव अमीबा से लेके तो फिर मछली तो फिर मगर तो फिर सर्प तो फिर चौपाया तो इसके बाद ये जो जो इन्होंने जो सिद्धांत लाए हैं डार्विन वगैरह ने, विकासवाद का सिद्धांत लाए हैं, ये मूर्खता पूर्वक इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस उसमें डाल दी है। मैं उसकी आलोचना किसी दिन और उस पर प्रवचन दूंगा क्योंकि हजारों साल से अभी तक हमने 5,000, 6,000 साल से 10,000 साल से किसी बंदर को इंसान बनते हुए देखा नहीं है अभी तक, है ना, या कोई थोड़ा बहुत परिवर्तन भी नहीं देखा, कोई उत्क्रमण भी देखा, कोई म्यूटेशन भी ऐसा नहीं देखा हमने। तो ये जो बातें हैं अंग्रेजों की लाई हुई पढ़ाई हुई है बातें हैं, ये बातें एक मिथक है। लेकिन जो देवता होने का मतलब है कि श्रेष्ठता की ओर, पवित्रता की ओर। देवता जो देता है संसार को, बताता है संसार को रास्ता, संसार के सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है, संसार के लोगों की मदद करता है, दीन दुखियों की मदद करता है। जैसे अग्नि देवता हमारे भोजन पकाने में मदद करते हैं, हमारे शरीर को अंत्येष्टि में मदद करते हैं। अगर ठंडी के दिन हो तो अग्नि देवता हमारे शरीर की गर्मी को बनाते हैं, हमारे पेट में रह के जठराग्नि के रूप में हमारा भोजन पचाते हैं। तो एक ही उदाहरण से देखें कि देवता, पवन देवता हमारी श्वास चलाते हैं, हमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करते हैं। तो ये क्या है, देवता कोई ऐसे मनुष्य नहीं है, ये शक्तियां हैं ये। लेकिन ये शक्तियों का जब मानवीकरण होता है, जब आप उच्च चेतना के तल पर जाते हैं तो शक्ति आपको मूर्त रूप में दिखने लग जाती है। यहीं से हमारे यहाँ मूर्ति पूजा की भी का भी प्रारंभ हुआ, जब भगवान नरसिंह खंभे में से प्रकट हो गए तो वहां से मूर्ति पूजा। तो देवता का काम करने के लिए भगवान, देवता का हित करने के लिए और योग माया से निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। भगवान का जो शरीर है वो किसी माँ के उदर में से नहीं आता है, भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी, ऐसे भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से नहीं हुए,
देवकी के नंदन है, देवकी और वसुदेव इन दोनों के सामने प्रकट हुए, उनको भ्रम हो जाता है माता माताओं को कि मैं गर्भवती हूं, भगवान ऐसा गर्भ नहीं लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान जब अब तो वामन बनने के लिए तो कोई मां आई नहीं, मां वामन अवतार होने से करने के लिए कोई मां नहीं आई, और नरसिंह अवतार के लिए कोई मां नहीं आई, कश्यप अवतार के लिए कोई मां नहीं आई, बरहा अवतार के लिए कोई मां नहीं आई, मत्स्य अवतार के लिए कोई मां नहीं आई। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि भगवान चाहे जब जो चाहे वो वैसी लीला करेंगे, वो आपकी बुद्धि के पार का विषय है, हम आपको तर्क द्वारा नहीं समझा सकते, क्योंकि प्रेम में तर्क नहीं चलते तो भक्ति में कहां चलेंगे। बहुत बड़ी बात है, प्रेम का अत्यंत उत्कृष्ट रूप है भक्ति, तो भक्ति में तर्क नहीं चलेंगे। तो वो जो है आश्रय कर वामन रूप धारण करके उस यज्ञ में आप जाइए और हमारा उत्तम कल्याण साधन कीजिए, क्योंकि महाराजा जो बलि हैं उन्होंने तीनों लोग जीत लिए थे, और वो तीनों लोग जीतने में उनकी जो उच्चाकांक्षा थी, महत्वाकांक्षा थी, वो बढ़ती चली जा रही थी, और वो अपने आप को बहुत बड़ा दानी भी समझते थे। दान का भी अहंकार बड़ा बुरा अहंकार होता है, और सच्चाई का भी अहंकार बहुत बुरा अहंकार होता है, यानी सतोगुण का अहंकार इतना खराब अहंकार होता है कि जैसे हीरे की धार तमोगुण का अहंकार तोड़ सकते हो, रजोगुण का अहंकार तोड़ सकते हो, लेकिन सतोगुण का अहंकार नहीं तोड़ सकते। व्यक्ति कहता है मैं क्या गलत कर रहा हूं, मैं तो दान कर रहा हूं, दान कोई गलत है, मैं तो व्रत कर रहा हूं, व्रत कोई गलत है, मैं तो पूजा कर रहा हूं, पूजा कोई गलत है। अब उसको यही नहीं मालूम है कि तू पूजा करने के चक्कर में पूरा जीवन बर्बाद कर देगा, तू आत्मज्ञान कब प्राप्त करेगा। पूजा करते हैं हमारी भूमिका बनाने के लिए, हमारा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, लेकिन वो उससे जो अंतिम सत्य है वो तो सदगुरु के पास बैठ के और आत्मज्ञान की साधना द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो वो नहीं मानता व्यक्ति, वो अपने कर्मकांड को नहीं छोड़ता है, वो नाव को नहीं छोड़ता है, उतरना नहीं चाहता किनारे पर, नाव में ही बैठा रहना चाहता है, वो सीढ़ी को नहीं छोड़ता है, वो मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहता, वो सीढ़ी को पकड़ के बैठ जाता है। इसको कहते हैं सत्वगुण का अहंकार। तो एतस्मिन् तरे राम कश्यपो अग्रे समप्रभा आदित्या सहितो राम दीप्त्यमान इवो जसा देवी सहायो भगवान दिव्यं वर्ष सहस्रकम् व्रतम समाप्य वरदम तुष्टाव मधुसूदनम। आपको सुन के आश्चर्य होगा, आप सोचेंगे अरे तो भगवान सच्चिदानंद परमात्मा होकर भी और विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं, उनको तो सब मालूम होना चाहिए। भाई पिता जो होता है उसको सब पता भी रहता है, फिर भी बच्चे की तोतली बात को सुनता है, वो बड़ा प्रसन्न होता है। ऐसे भगवान सच्चिदानंद परमात्मा सब जानते हुए भी अपने भक्तों, ऋषि मुनियों, सतगुरुओं, इनको आदर देते हैं, इनको बहुमान देते हैं, इनकी बात को सुनते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं भगवान ने अवतार लिया ये तो हमको कितना प्रेम दे रहे हैं, कितना सम्मान दे रहे हैं। विश्वामित्र ने नहीं कहा एक बार भी कि भगवान आप तो सब जानते हैं क्या पूछ रहे हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि जब हम कोई नाटक करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि जो राम का पात्र लेके बैठा है, लक्ष्मण का पात्र बनाए, सीता का पात्र बनाए, तो रंगमंच पर हम अपनी हमारी मर्यादा निभाते हैं, हम रंगमंच पर अपनी मर्यादा निभाते हैं। ऐसे ये जीवन एक रंगमंच है, भगवान भी आते हैं तो भी वो मर्यादा ही निभाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। कृष्ण के रूप में आते हैं तो भी मर्यादा निभाते हैं, उस समय क्या करना चाहिए उचित वही करते हैं, वही करते हैं। तो श्री राम इस समय अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि कश्यप धर्म पत्नी अदिति के साथ अपने तेज से प्रकाशित होते हुए वहां आए। कहां पर आए?
उस आश्रम पे जहां भगवान विष्णु विराजे थे और तैयारी थी, तो वे एक सहस्त्र दिव्य वर्षों तक चालू रहने वाले महान व्रत को अदिति के साथ ही समाप्त करके आए थे। अदिति के साथ उस व्रत को समाप्त करके आए थे। उन्होंने वरदायक भगवान मधुसूदन की स्तुति की। कैसे स्तुति की? अब स्तुति देखिए। तपोमयं तपोराशिम तपो मूर्ति तपात्मकम् तपसा त्वां सुतप्तेन पश्यामि पुरुषोत्तमम्। वो भी तपस्या करके आए थे, ये भी तपस्या कर रहे हैं, तो तपस्या के ही शब्दों से स्तुति की। भगवान आप तपो मैं, तपस्या की राशि यानी भंडार है, तप ही आपका स्वरूप है, आप ज्ञान स्वरूप है। देखिए यहां भी उन्हें ज्ञान स्वरूप कहा, ज्ञान स्वरूप हम निज बोध युक्त। मैं भली भांति तपस्या करके उसके प्रभाव से आप पुरुषोत्तम का दर्शन कर रहा हूं, यही तो मेरी तपस्या का प्रभाव है कि आपके दर्शन कर रहा हूं, यही तो आपके जीवन यात्रा का प्रभाव है कि आपको कोई सतगुरु मिल जाए, यही तो 16 सोमवार करने का कन्याओं का फल है कि वो अच्छा पति के लिए 16 सोमवार करती हैं, यही तो साधक की तपस्या का, सबरी जैसी मां का तपस्या का फल है कि भगवान राम उनके उनके आश्रम में आए, तो यही तो सुतीक्षण का प्रेम है कि भगवान राम वहां पहुंचे, यही तो उनकी तपस्या का फल है। तो जीवन की सारी तपस्याओं का एक ही फल है कि भगवान का साक्षात्कार, चाहे वो आत्म साक्षात्कार हो या सगुण रूप में भगवान का साक्षात्कार हो। अगर भगवान सगुण रूप में भी आएंगे तो फिर आपको आत्म साक्षात्कार ही कराएंगे ना, क्योंकि शरीर और इस संसार की सारी माया कभी मुक्त नहीं कर सकती, इसके पार ही जाना पड़ेगा। शरीरे तव पश्यामि जगत सर्वमिदं प्रभु त्वमनादिर निर्देश्यत्वामहं शरणं गता त्वमनादिर निर्देशस्त्वामहं शरणं गता। प्रभु मैं इस सारे जगत को आपके शरीर में स्थित देखता हूं, या यूं कह दो कि सारा जगत भगवान के शरीर में स्थित है, यानी भगवान का शरीर क्या है? आत्मा ही तो है, और वही आत्मा आप में स्थित है। तो सारा जगत आप अगर आत्मा को जान लें, आत्मा का साक्षात्कार कर लें, तो सारा जगत आप में स्थित दिखने लगेगा। आप अनादि हैं, आपका कोई आदि नहीं, आप कहां से शुरू हुआ है आपका स्वरूप कोई भी नहीं जानता। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा जा कहूं कोई नहीं जान, कोई इनको नहीं जानता, वो अनादि है परमात्मा। देश काल और वस्तु की सीमा से परे हैं, क्योंकि देश काल और वस्तु ये माया का अंग है, ब्रह्म का नहीं। देश काल और वस्तु की सीमा से परे होने के कारण आपका इदमित्य रूप से निर्देशित नहीं किया जा सकता कि यह हो, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इदमित्य रूप वही हो सकता है जहां देश काल और वस्तु हो। इसलिए तो वाम अहम शरणम गता है भगवान, मैं आपकी शरण में आया, मैं आपकी शरण में आया। तमु वाच हरि प्रीता कश्यपम गत कल्मषम वरम वरय भद्रम ते बराहो असीमतो मम। कश्यप जी के सारे पाप धुल गए थे। भगवान श्री हरि ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे महर्षि, महर्षि उसी को कहते हैं जिसके पाप धुल जाते हैं, ऋषियों से भी बड़ा महान ऋषि कहलाया जाता है, तुम्हारा कल्याण हो। भगवान कह रहे हैं तो कल्याण हो गई होगा।
तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वर मांग लो, क्योंकि तुम मेरे विचार से वर पाने योग्य हो। अब सोचिए, जिस व्यक्ति के सारे पाप धुल गए वो महर्षि हो गया, और उसको वर मांगने की कोई इच्छा होगी क्या? इच्छा तो नहीं होगी, लेकिन अगर किसी भक्त से भगवान कहे कि तुम वर मांग लो, तो वो वही मांगेगा जो कश्यप ऋषि ने मांगा। तच्छुत्वा वचनं तस्य, तच्छुत्वा वचनं तस्य, मारीच कश्यपो ब्रवीत। आदित्या देवतानां च मम चैवानुयाचितम्, वरं वरद सुप्रीतो दातुर्महसि सुब्रत, पुत्रत्वं गच्छ भवान् दित्वाया मम चानघ, पुत्रत्वं गच्छ भगवन् दित्या मम चानघ। भगवान का वचन सुनकर मरीचि नंदन कश्यप, बताइए पिता कौन थे उनके? कश्यप ऋषि के मरीचि ऋषि थे। मरीच कौन थे? ब्रह्मा के पुत्र थे, मरीच के सीधे ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वरदायक परमेश्वर संपूर्ण देवताओं की, अदिति की और मेरी भी आपसे एक ही बात के लिए बारंबार याचना है। देवता भी यही चाहते हैं, मेरी पत्नी अदिति भी यही चाहती है और मैं भी यही चाहता हूं। मेरी याचना है, याचना हे दीन बंधु दयाल, दीनों के नाथ, आपसे तो केवल याचना ही कर सकते हैं। कहां आप और कहां हम? आप अखिल ब्रह्मांडों और अनंत आकाश गंगाओं के एकमात्र स्वामी, और जितना भी कोई ऋषि मुनि सिद्ध महात्मा हो जाए, वो आपके चरणों की धूल से भी बहुत छोटा है। आप तो बहुत बड़े दाता हैं और हम सब आपके याचक हैं। तो उन्होंने कहा कि याचना है, मेरी याचना है, आप अत्यंत प्रसन्न होकर मुझे वह एक ही बार प्रदान करें। भगवान निष्पाप नारायण देव, आप मेरे और अदिति के पुत्र हो जाए, कितनी बड़ी बात। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर कोई भी व्यक्ति जो उच्च कोटि का तपस्वी हो जाए, सिद्ध पुरुष हो जाए, ब्रह्मर्षि देवर्षि हो जाए, राजर्षि हो जाए, वो एक ही चीज मांगेगा भगवान से। इसलिए हनुमान जी ने एक ही चीज मांगी, उन्होंने ये कहा भगवान हनुमान जी ने कि एक मंद मैं मोहवश, पहली बार जब मिले भगवान से तो कहा, कुटिला रहता है अज्ञान, पुनि प्रभु मोहे न बिसारे हो दीन बंधु भगवान। और क्या मांगा? अविचल भक्ति देव सुख मन भाव, अविचल भक्ति मांगी। विभीषण ने भी अविचल भक्ति मांगी, ध्रुव ने भी अविचल भक्ति मांगी, प्रहलाद ने भी अविचल भक्ति मांगी। ऐसा कोई भी संत महात्मा महापुरुष आज तक हुआ नहीं होगा जो महान उच्च कोटि का, जिसने भगवान की भक्ति और भगवान के सिवा और कुछ मांगा। तो जो ऋषि थे उन्होंने भगवान से कहा कि आप मेरे पुत्र के रूप में अदिति और मेरे पुत्र हो जाएं। भ्राता भव यवीयास्त्वं
सकृस्यासुरसूदन शोकार्तानां तु देवानां सहा सहायं कर्तुमहर्षि। हे अरिसूदन, हे असुर सूदन, असुरों का नाश करने वाले। देखिए, असुरों का नाश करना जरूरी है और कोई रास्ता नहीं है। असुर कभी बात नहीं मानते बाबा, असुर कभी बात नहीं मानते। आपके अभी भी असुर हैं इस भारत भूमि में, वो आपकी कोई बात नहीं मानते। आप कितना भी समझाओ वो समझेंगे नहीं। अब ये वाल्मीकि रामायण का प्रकरण है, इसलिए मैं आप समझ गए होंगे मैं उनका नाम असुरों का नहीं लूंगा। तो आप इंद्र के छोटे भाई हो और शोक से पीड़ित हुए इन देवताओं की सहायता करें। भगवान जो है बड़े दयालु, इंद्र बना देते हैं किसी को और उसके पीछे उपेंद्र बन जाते हैं, छोटे भाई बन जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये तो इंद्र बनकर भी अहंकार से मुक्त नहीं हो पाएगा या कुछ गड़बड़ कर देगा, लेकिन मैं हूं तो सृष्टि को संभाल लूंगा, ऐसे दयालु। इसलिए तो वो विष्णु कहलाते हैं। विष्णु मतलब अणु, अणु में वो मौजूद हैं। करूं किस भांति आवाहन के तुम सर्वत्र व्यापी हो, चढ़ाऊं क्या तुम्हें भगवन के तुमने सब बनाया है। भगवान जो हैं बड़े दयालु हैं, बड़े दीन बंधु हैं, करुणा के सागर हैं। तो वो जो है इनकी प्रार्थना को सुनकर और फिर वो कहते हैं, अयम सिद्धाश्रमो नाम प्रसादात ते भविष्यति सिद्धे कर्माणि देवेश उत्तिष्ठ भगवन्नितः। देवेश्वर भगवान, आपकी कृपा से स्थान सिद्धाश्रम नाम से विख्यात होगा। अब आपका तप रूप कार्य सिद्ध हो गया है, अब यहां से उठिए भगवान। अथ विष्णु महातेजा आदित्यां समजायत वामनं रूपमास्थाय वेरोचनीमुपागतम्। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तदंतर महातेजस्वी भगवान विष्णु अदिति देवी के गर्भ से प्रकट हुए और वामन रूप धारण करके विरोचन कुमार बलि के पास गए। त्रीन पदानथ विक्षित्वा प्रतिग्रह च मेदिनी आक्रम्य लोकालोकार्थिं सर्वलोकहिते रता। महेन्द्राय पुनः प्रादन्निं यम्य बलिमोजसा त्रिलोक्यं स महातेजाश्चक्रे शक्रवशं पुनः। संपूर्ण लोकों के हित में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु बलि के अधिकार से तीनों लोकों का राज्य ले लेना चाहते थे, अतः उन्होंने तीन पग भूमि के लिए याचना करके उनसे भूमि दान ग्रहण किया। तीनों लोकों को आक्रांत करके उन्हें पुनः देवराज इंद्र को लौटा दिया। महातेजस्वी श्री हरि ने अपनी शक्ति से बलि का निग्रह करके त्रिलोकी को पुनः इंद्र के अधीन कर दिया। अब इस कथा को यदि आपको सुनना हो तो श्रीमद् भागवत का मैंने प्रवचन दिया है, उसमें ये प्रसंग आया है, बहुत विस्तार से, बहुत भावनात्मक, बहुत ज्ञान से और बहुत भक्ति से आप उसको सुन सकते हैं, इस स्कंध में आया हुआ है और YouTube पर आपको मिल जाएगा।
तेनेव पूर्वमाक्रांतः तेनेव पूर्वमाक्रांतो आश्रमः आश्रमनाशनः मयापि वक्त्या तस्यैव वामनस्योपमुद्भुज्यते। उन्हीं भगवान ने पूर्व काल में यहां निवास किया था, इसलिए यह आश्रम सब प्रकार से दुख और शोक का नाश करने वाला है। ये दुख और शोक ही वास्तव में श्रम है, श्रम का नाश। यदि आपको दुख हो और शोक हो तो आप कोई काम अच्छा नहीं कर सकते, आपको जीवन में थकावट सी लगेगी। और आप प्रसन्न हैं तो आप दोगुना चार गुना काम करने के बाद भी आपको थकान नहीं आएगी। उन्हीं भगवान बामन में भक्ति होने के कारण मैं भी इस स्थान को अपने उपयोग में लाता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं भी यहां आके तपस्या करता हूं। इसलिए लोग तीर्थों में जाते हैं कि तीर्थों में भगवान ने तपस्या की है। अभी आप बद्रीनाथ चले जाओ, वह नर और नारायण पर्वत पर भगवान ने निरंतर अभी भी तप कर रहे हैं। एक नर रूप में तपस्या करता है, दूसरा नारायण रूप में सृष्टि का संचालन करता है, फिर एक नारायण रूप में तपस्या एक रूप करता है और दूसरा नर के रूप में संचालन करता है। एक रहस्य की बात मैं इस माध्यम से बताता हूं, क्योंकि मेरा शरीर छूट जाएगा फिर शायद यही रह जाएगा। मैंने बद्रीनाथ के पर्वत पर भगवान नर नारायण का साक्षात दर्शन किया है इन्हीं आंखों से। उसकी भी कथा मैंने कहीं ना कहीं अपने प्रवचन में सुनाई है, आप मेरे वीडियो में ढूंढ लेना। भगवान बड़े दयालु हैं, आज भी दर्शन देते। एनम आश्रम मायान्ति राक्षसा विघ्नकारिण अत्र ते पुरुष व्याघ्र हन्तव्या दुष्टचारिणः। येन माश्रमायान्ति राक्षसा विघ्नकारिणः अत्र ते पुरुष व्याघ्र हन्तव्या दुष्टचारिणः। इसी आश्रम पर मेरे यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षस आते, मतलब वही भगवान का आश्रम, उनका ही आश्रम था विश्वामित्र का। और पुरुष सिंह, यही तुम्हें उन दुराचारियों का वध करना है। दुराचारियों का हमेशा वध ही किया जाता है। दुराचारी को सुधारने की कभी भी गलती मत करना, उनका तो वध ही किया जाता है। अद्धगमत छामहे राम सिद्धाश्रम मनुमुत्तम तदाश्रम पदम तात तवाप्ये तदयथा मम। श्री राम, अब आप लोग उस परम उत्तम सिद्धाश्रम में पहुंच रहे हैं, ताति आश्रम जैसा मेरा है वैसा ही तुम्हारा है। देखिए कितनी बड़ी बात। भगवान ने पूछा कि मुनिवर, या आश्रम सुहाना दिख रहा है, ये किसका है? तो उन्होंने नहीं कहा। अपन तो अपन होते तो कहते हाँ मेरा आश्रम है। नहीं, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने उस आश्रम का इतिहास बताते हुए कहा कि भगवान ने तपस्या की है तो मैं भी यहाँ उपयोग में लाता हूँ, मैं भी तपस्या करता हूँ। जैसा मेरा आश्रम है वैसा तुम्हारा भी आश्रम है। प्रत्येक सदगुरु अपने शिष्यों को यही कहता है कि भाई मेरा जो आश्रम है वो तुम्हारा ही आश्रम है, मेरा आश्रम तुम्हारा ही घर है। तुम कितनी भी बार आओ, कितनी भी बार जाओ, कितने भी दिन ठहरो, सब कुछ तुम्हारा ही है। लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं इसका दुरुपयोग करना चाहते हैं, इसलिए सदगुरु उन लोगों को अपने आश्रम में प्रवेश नहीं देता, क्योंकि दुष्ट जो है वो सब मामला गड़बड़ कर देते हैं। जैसे पाड़ा जो रहता है ना, वो खा पी के और तालाब में घुस जाता है और वहीं पूरा पानी गंदा कर देता है, उसी में मूत देता है, उसी में हग देता है, उसी में गोबर कर देता है और फिर उसको मचमचा देता है तो पूरा पानी में उसका गोबर और मूत फैल जाता है। ऐसे दुष्ट लोग जो हैं, ऐसे संत महापुरुषों के आश्रम में जाकर अपनी वासनाओं का, अपनी इच्छाओं का, अपने विचारों के मल का, अपने छल कपट का, अपनी दुर्भावनाओं का ये मलमूत्र त्याग देते हैं और उसको फिर जो है मचमचा देते हैं,
तो या तो फिर उनको डंडा लेकर भगाना भी पड़ता है और या फिर उस आश्रम को छोड़कर ही भागना पड़ता है ना। तो ऐसी स्थिति होती है। तो इत्युक्त्वा परम प्रीतो गृह रामं सलक्षणं प्रविशन्नाश्रम पदं व्यरोचत महामुनि शशीव गतनीहार पुनर्वसु सम विन्वितम् पुनर्वसु सुसमन्वितम्। ऐसा कहकर महामुनि ने बड़े प्रेम से श्री राम और लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया और उन दोनों के साथ आश्रम में प्रवेश किया। उस समय पुनर्वसु नाम के दो नक्षत्रों के बीच में तुषार रहित चंद्रमा की भांति उनकी शोभा हुई। कितना बढ़िया रूपक दिया है। पुनर्वसु नाम के दो नक्षत्र, उनके बीच में विश्वामित्र ऐसे लग रहे थे जैसे चंद्रमा। तम दृष्ट्वा मुनयः सर्वे सिद्धाश्रम निवासिनः उत्पत्योत्पत्य सहसा विश्वामित्रं पूजयन्। विश्वामित्र जी को आया देखकर सिद्धाश्रम में रहने वाले सभी तपस्वी उछलते कूदते हुए सहसा उनके सामने आगे को बहुत प्रसन्न हो गए। जैसे बच्चे उछलते कूदते अपने माता पिता के आने पर। या आपने देखा होगा कि कभी आपने श्वान पाला हो, कुत्ता पाला हो, तो कभी आप बाहर से आते हो तो कैसा उछल के आप पर चढ़ने लग जाता है, चूं चूं करने लग जाता, कितना प्यार देने लग जाता। आप उससे समझो उस पशु में कितना प्रेम है, आज के मनुष्यों में नहीं है ना, उतना प्रसन्नता नहीं उनमें। लेकिन वहां उस समय तो थी, क्योंकि प्राकृतिक खुशी थी उनको। यथार्हं चक्रे पूजां विश्वामित्राय धीमते तथैव राजपुत्राभ्याम कुर्वन्ति थि क्रियां विश्वाम। तो फिर क्या हुआ, उन सब ने मिलकर बुद्धिमान विश्वामित्र जी की यथोचित पूजा की और उसी प्रकार उन्होंने दोनों राजकुमारों का भी अतिथि सत्कार किया। मुहूर्त मद विश्रांतौ राजपुत्रा वरिंदमौ प्राञ्जलि मुनिशार्दूल मूचतु रघुनंदनौ। दो घड़ी तक विश्राम करने के बाद रघुकुल को आनंद देने वाले शत्रु दमन राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र जी से बोले, दो घड़ी आराम कर लिए, आए थे चलकर थके आए, चल कहीं से चलकर आओ, थका हो एकदम काम काज में अब नहीं लगो, आओ अपने थोड़ा विश्राम करो, नहीं कर सकते तो आंख बंद के दो पांच मिनट बैठ जाओ आंख बंद करके। ये एक जीवन जीने का तरीका है। अध्यव दीक्षां प्रविश भद्रं ते मुनिपुंगव सिद्राश्रमो अयं सिद्धः स्यात् सत्यम वस्तु वचस्तव। मुनि श्रेष्ठ, आप आज ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें, आपका कल्याण हो। यह सिद्धाश्रम वास्तव में यथा नाम तथा गुण सिद्ध हो और राक्षसों के बध के विषय में आपकी कही हुई बात सच्ची हो। एवमुक्तो महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः एवमुक्तो महातेजा विश्वामित्रो महान ऋषिः प्रविवेश तदा दीक्षां नियतो नियतेन्द्रियः। ये मेरी जो जिह्वा है ना, ये अभ्यास के कारण से कभी कभी कुछ शब्दों को आंख बंद करके बोल देता हूं, तो मैं इसको दोहरा देता हूं, शुद्ध कर देता हूं। कुमारा पपिताम रात्रि मुषित्वा सुसमाहितो प्रभात काले चोत्थाय पूर्वां संध्यामुपास्य। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र
जितेंद्रिय भाव से नियम पूर्वक यज्ञ की दीक्षा में प्रविष्ट हुए वे दोनों राजकुमार भी सावधानी के साथ रात व्यतीत करके सवेरे उठे और स्नान आदि से शुद्ध हुए। सावधानी के साथ रात व्यतीत करके, तुम्हारे जैसे नहीं कि जीभ बाहर निकाली खर्राटे भर रहे सो रहे, कोई गर्दन आके ही दबा दे तुम्हें। ये जो ज्ञानी है, महात्मा है, वीर है, ये ऐसे नहीं सोते जैसे आप लोग सोते हो, ये चौकन्ने होके सोते हैं, है ना। जरा सी भी खड़का होता है तो आवाज से वो जाग जाते हैं। मुझे एक बात याद आ गई, मेरे गुरुजी थे हम, तो हमारा ऐसा नियम था कि जब भी गुरु महाराज कुटिया के बाहर आते थे, चाहे रात हो या दिन हो, सुबह हो शाम हो, कुछ भी हो, हम उनको प्रणाम करते थे जैसे ही बाहर आते थे, साष्टांग दंडवत करते थे। और गर्मी के दिन रहे गुरु महाराज कुटिया के अंदर, अब मैं बाहर कुटिया के बाहर बिस्तर लगा के सोता था, गुरु महाराज बाहर लघु शंका इत्यादि के लिए निकलते थे, और जैसे ही वो निकले तो उनके पदचाप की मुझे आवाज आ जाए। वो तो बिल्कुल एकदम से धीरे से निकलते थे, लेकिन मेरी मैं जग जाता था, दौड़ के उनको प्रणाम कर लेता। रात में जितनी भी बार निकले उतनी बार प्रणाम कर लेता था। गुरु महाराज ने सोचा क्या, अरे ये दरवाजा बसता होगा, दूसरे दिन उन्होंने दरवाजा में तेल लगवा दिया, दरवाजा घुमा के देख लिया, दरवाजा नहीं बजा, फिर भी निकले, फिर भी मुझे पता लग गया, फिर भी प्रणाम कर। गुरु महाराज बोले, यार ऐसा क्या, तुम्हें बिल्कुल रात में सोते नहीं हो क्या, जैसे ही मैं निकलूं वैसे प्रणाम कर देते हो। मैंने, भगवान ऐसा नहीं, सोता हूं, लेकिन आपके जो चरणों के जो चाप है, आपकी जो धोनी है पैरों की, वो इतनी दिव्य है कि व्यक्ति को जगाने वाली है, अज्ञान से जगा देती है, तो ये तो बहुत, ये तो स्थूल नींद है। तो ऐसे जो है, जो सोते है ना ज्ञानी लोग और वीर लोग और भगवान के भक्त, और भगवान तो स्वरूप ही है, वो भगवान ही है स्वयं, तो वो कैसे सोएंगे। तो सावधानी के साथ रात व्यतीत करके सवेरे उठे और स्नान आदि करके शुद्ध हुए। प्रसुचि परमं जाप्यं समाप्य नियमेन च हुताग्रहो हुताग्निहोत्रवासीनं विश्वामित्रं वन्दताम्। प्रातः काल की संध्योपासना तथा नियम पूर्वक सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र का जप करने लगे, और जप पूरा होने पर उन्होंने अग्निहोत्र करके बैठे हुए विश्वामित्र जी के चरणों की वंदना की। मैं आपसे एक बात निवेदन करता हूँ, गायत्री मंत्र है, और गायत्री का कुछ लोगों ने क्या किया कि गायत्री को एक देवी का रूप मान लिया, ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ। गायत्री मंत्र है, वो अमूर्त है, और उसको इस प्रकार से मतलब जो है ब्रह्म ज्ञान से दूर हटाने का काम ना किया जाए, किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भगवान के जो गायत्री मंत्र है, या कोई वेद उपनिषदों के मंत्र है, या ओम नमः शिवाय है, या कोई भी है, ये अमूर्त है, इनकी मूर्तियां ना बनाए, क्योंकि मूर्तियां बनाने से उसके अमूर्तता की तरफ से ध्यान हट जाता है व्यक्ति का। तो अग्निहोत्र करके जब पूरा होने पर उन्होंने अग्निहोत्र करके बैठे हुए विश्वामित्र जी के चरणों में वंदना की। अब ये क्या है, आज जो है ये 29वां सर्ग पूरा हुआ, कल 30वां सर्ग लेंगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे एकोनविश सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि जी द्वारा निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 29वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान को जो प्रसाद मेरी वाणी के द्वारा आपको देना था, वो उन्होंने दे दिया। मेरी वाणी केवल माध्यम है, क्योंकि किसी सर्ग में भगवान आपको जल्दी भी पूरा करवा देते हैं, किसी सर्ग में भगवान आपको अच्छे से विस्तृत बताते हैं। हो सकता है आप लोगों की योग्यता के अनुसार कितना क्या देना चाहिए वही निर्धारित करते हैं। इसलिए आज का जो प्रवचन है वो भगवान श्री रामचंद्र, जो अनंत आकाश गंगाओं के एकमात्र स्वामी हैं,
उनके एक ही रोम में इतने सारी आकाश गंगाएं व्याप्त है, बाकी तो बात छोड़ दीजिए। मवावांशे जीव लोके जीव भूता सनातना एक अंश मात्र उनके चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कथा का समापन करते हैं। कल फिर हम त्रिश यानी तीसवा सर्ग लेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।